हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रिडिक्टर चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेटवर्किंग का एक इसेंशियल पार्ट पढ़ेंगे जो कि है पोर्ट्स के बारे में। उसी के साथ जो डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हार्डवेयर पोर्ट्स है या फिर सॉफ्टवेयर पोर्ट्स है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और मैं आपको लास्ट में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा जो हमारे वर्चुअल पोर्ट्स होते या फिर सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते उन्हें हम कैसे यूज करते वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में, तो बेसिकली इन कंप्यूटर हार्डवेयर अ पोर्ट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बेसिकली पोर्ट हमारे नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक एंड पॉइंट है। तो पोर्ट ये एक फिजिकल एरिया है कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आउटलेट होता है या फिर पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जिससे हम हमारा जो प्लग्स होते हैं या फिर जो यूएसबी केबल्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर दूसरे डिवाइस के साथ। मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप पर आप कुछ काम कर रहे हैं, बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर पेपर की प्रिंट निकालनी है या फिर एक हार्ड कॉपी निकालनी है, तो आपके पास आपके नेटवर्क पर एक प्रिंटर अवेलेबल है जहां पर आपको उसके साथ कनेक्ट करना है और वो प्रिंट निकालनी है। तो आप लिटरली कैसे करोगे? तो आप सिंपली आपका जो प्रिंटर का यूएसबी केबल होता है उसको अटैच करोगे आपके लैपटॉप के साथ और कमांड दोगे या फिर रिक्वेस्ट दोगे कि प्रिंटर भाई मुझे 10 कॉपी चाहिए इस पर्टिकुलर पेज की। तो बेसिकली प्रिंटर को कैसे समझ आएगा कि इसने मुझे रिक्वेस्ट की है? तो वो होता है एक पर्टिकुलर पोर्ट के बेसिस पर या फिर एक पर्टिकुलर मीडियम के बेसिस पर। जो हमारा प्रिंटर का यूएसबी केबल होता है या फिर जो रिक्वायर्ड केबल होती है वो हमने हमारा जो लैपटॉप होता है उसके साथ कनेक्ट किया एक पर्टिकुलर पोर्ट के बेसिस पर या फिर पोर्ट का जो स्पेसिफिक एरिया होता है एलोकेटेड एरिया तो उसके बेसिस पर, और ऑटोमेटिकली इन दोनों डिवाइसेस के अंदर एक कनेक्शन आ जाता है या फिर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और जो हमारा रिक्वेस्ट होता है और रिक्वेस्ट रिस्पांस का जो कम्युनिकेशन मॉडल होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है। तो अगर हम बात करें पोर्ट या फिर फिजिकल पोर्ट के बारे में, तो ये एक ऐसी स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर आउटलेट होते हैं एक पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो डिवाइसेस के बेसिस पर या फिर दो डिवाइसेस के अंदर। तो अगर हम बात करें पोर्ट वर्ड की, तो ये डिराइव होता है एक लैटिन वर्ड जो कि पोर्टा, और उसका इनिशियल नेम हमारे लैंग्वेज में वो होता है गेट, एंट्रेंस या डोर। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक घर है, मतलब कि आपका एक पीसी है और उसके अंदर जो घर के अंदर जो खिड़कियां होती है या फिर जो डोर्स होते हैं वो हमारे पोर्ट से, मतलब कि आपको अगर किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, मतलब कि आपको अब प्रिंटर भी चाहिए और दूसरा एक पर्टिकुलर डिवाइस मतलब आपका वेबकैम भी चाहिए, तो आप सिंपली दूसरा जो पोर्ट होता है या फिर दूसरी जो खिड़की होती है उससे सिंपली अटैच कर सकते हो और अपनी जो दूसरी सर्विस है उसे रन कर सकते हो। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पोर्ट्स की, तो बेसिकली पोर्ट्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है हार्डवेयर पोर्ट और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर पोर्ट। तो हार्डवेयर पोर्ट मतलब जो फिजिकली अवेलेबल है हमें दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या फिर हमारे नेटवर्क के अंदर जहां पर अवेलेबल है, मतलब हम फिजिकली जहां पर जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो हम हार्डवेयर डिवाइस में कंसीडर किया जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास होम नेटवर्क है जहां पर आपके कुछ डिवाइसेस अटैच्ड है या फिर डिवाइसेस अवेलेबल है तो उनके साथ आप हार्डवेयर थ्रू कनेक्ट करते हो जो जिसके अंदर आप कुछ यूएसबी केबल्स लगाते हो या फिर एचडीएमआई केबल्स लगाते हो या फिर पीएस2 केबल्स लगाते हो या फिर कुछ ऑडियो केबल्स लगाते हो, तो इनके बेसिस पर आप हार्डवेयरली या फिर फिजिकली कनेक्ट करते हो आपके नेटवर्क के अंदर। तो आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि हार्डवेयर पोर्ट इज एन इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट टू द कंप्यूटर। तो आप हार्डवेयरली या फिर जो बोल सकते हैं फिजिकली कनेक्ट करते हो आपके डिवाइसेस को और पेरिफेरल डिवाइस लाइक मॉनिटर, माउस एंड प्रिंटर्स एक्सेट्रा। तो आप बेसिकली जितने भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि हमारे कीबोर्ड से, मॉनिटर से, वेबकैम से, टच पैड से, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है जिनके साथ हम हार्डवेयरिक या फिर फिजिकली कनेक्ट करते हैं कुछ डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और कंप्यूटर हैज डिफरेंट पोर्ट्स टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस।
अगर आपके पास एक पीसी अवेलेबल है, मतलब कि आपके पास एक डेस्कटॉप अवेलेबल है, तो उसके अंदर हमारे पास सीपीयू लगा होता है, और सीपीयू के जो फ्रंट साइड में जहां पर आपको कुछ यूएसबी पोर्ट्स दिखाई देते हैं, या फिर ऑडियो पोर्ट्स दिखाई देते हैं, या फिर आपको सीडी इंसर्ट करने के लिए कुछ डिस्क एलोकेटेड होती है, तो वो सब एक पोर्ट्स के अंदर होते हैं, या फिर एक हार्डवेयर पोर्ट कंसिडर किए जाते हैं, जिसके बेसिस पर आप दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो हार्डवेयरली या फिर फिजिकली, और कुछ डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ईच टाइप ऑफ पोर्ट ऑपरेट्स एट अ सर्टेन स्पीड। द स्पीड ऑफ पोर्ट्स आर मेजर्ड इन केबीपीएस, एमबीपीएस एंड जीबीपीएस। तो एज पर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर आपका जो पोर्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बेसिस पर आपका जो डेटा स्पीड होता है, या फिर डेटा ट्रांसफर का स्पीड होता है, वो मेजर किया जाता है कुछ स्टैंडर्ड मेजरिंग बोल सकते हैं, एक मेजरिंग स्टैंडर्ड से, जो कि केबीपीएस, एमबीपीएस एंड जीबीपीएस। आप जितना अच्छा आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, उतना ही आपको आपका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो मिलेगा। तो एक फिजिकल पोर्ट अब कैसे दिखता है, मतलब उसका जो आर्किटेक्चर होता है, या फिर उसका जो वर्चुअल लुकिंग होती है, वो कैसी होती है, आप इस पिक्चर से देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर एक डिवाइस है, या फिर ये एक मदरबोर्ड है, जहां पर हमें मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल है, जहां पर हम जो यूएसबी केबल्स होते हैं, या फिर यूएसबी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव्स है, उन्हें अटैच कर सकते हैं। वैसे आप जो लैन केबल होती है, या फिर इथरनेट केबल होती है, तो उन्हें अटैच कर सकते हैं। वैसे ही जो ऑडियो के कुछ डिवाइसेस होते हैं, मतलब कि आपके जो एक्सटर्नल स्पीकर से, या फिर कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस है, उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जिस टाइप का डिवाइस है, या फिर जिस टाइप की आपके पास डिवाइस अवेलेबल है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट अवेलेबल होता ही है। मतलब आप उसी पोर्ट पर आपका जो डिवाइस अवेलेबल है, उसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक ऑडियो डिवाइस है और आप इसे कनेक्ट कर रहे हो कोई एचडीएमआई पोर्ट पर, तो वो अवेलेबल नहीं है, मतलब वो हम बोल सकते हैं होपलेस थिंग है। जिस थिंग को, या फिर जिस पर्टिकुलर डिवाइस को वो एलोकेटेड है, आपको वही यूज करना चाहिए। उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एचडीएमआई के पोर्ट्स अवेलेबल है, विजय के पोर्ट्स अवेलेबल है, पीएस2 के पोर्ट्स अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फिजिकल डिवाइस के अंदर। और इस पोर्ट्स को कनेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हो आपके नेटवर्क के अंदर, या फिर आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर। फिर अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर पोर्ट्स की, तो सॉफ्टवेयर पोर्ट्स यूजुअली जस्ट कॉल्ड ए पोर्ट इज ए वर्चुअल लॉजिक डेटा कनेक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज डेटा डायरेक्टली। तो सॉफ्टवेयर पोर्ट्स एक वर्चुअली कंसिडर, या फिर लॉजिकल डेटा कनेक्शन पोर्ट्स होते, जो कोई फिजिकल डिवाइसेस नहीं होते, या फिर फिजिकल पोर्ट्स नहीं होते। कुछ वर्चुअल स्पेस एलोकेटेड होता है, या फिर वर्चुअल मीनिंग एलोकेटेड होती है, और इन वर्चुअल डेटा कनेक्शन के बेसिस पर हम कुछ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस आर टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स विच आर यूज्ड टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो बेसिकली आपको समझ आया होगा कि हमें सॉफ्टवेयर पोर्ट और हार्डवेयर पोर्ट को कब यूज करना चाहिए। तो अगर आपके पास एक होम नेटवर्क है, जहां पर आपके सभी डिवाइसेस अवेलेबल है, तब आप सिंपली हार्डवेयर पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास कुछ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, मतलब आपका जो डेस्टिनेशन हार्डवेयर है, या फिर डेस्टिनेशन डिवाइस है, वो आपके कुछ मीटर्स के अंदर है, या फिर कुछ रेंज के अंदर है, तो आप सिंपली आपका जो यूएसबी केबल होता है, उसे अटैच कर सकते हो, और सिंपली आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो बेसिकली आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है, एक पर्टिकुलर एक ऑडियो फाइल डाउनलोड करनी है एक पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो सिंपली आप सिंपली हार्डवेयर से, या फिर फिजिकली कनेक्ट नहीं कर सकते उस डेस्टिनेशन का जो वेब सर्वर होता है, या फिर उसका जो मेन मशीन होता है, उससे हार्डवेयरली कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इंडिया में, और वो जो वेबसाइट है, या फिर वो जो वेब सर्वर है, वो यूएस में है, तो आप सिंपली वहां पर हार्डवेयरली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको वर्चुअली कनेक्शन बिठाना पड़ता है, या फिर वर्चुअली कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है डेटा ट्रांसफर के लिए। तो वो सिंपली हम सॉफ्टवेयर पोर्ट से करते हैं, और उसके अंदर भी हम टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स को ज्यादा यूज करते हैं डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट पर। तो अगर मैं आपको टीसीपी और यूडीपी के बारे में शॉर्ट में बता दूं, तो टीसीपी ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जो वर्चुअल कनेक्शन बिठाता है टू टीसीपी डेटा डिवाइसेस के अंदर, जहां पर आपको कुछ एरर्स भी आ जाते हैं अगर हमारा जो कनेक्शन है वो फेल हो जाता है, या फिर कोई डिस्टरबेंस आता है,
तो वो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स भी होते हैं, या फिर आपका जो वार्निंग्स होती है या फिर कोई एरर आता है वो भी आपको बता देता है। और टीसीपी का जो मेन मोटिव होता है या फिर टीसीपी का जो वर्किंग होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर मेनली यूज होता है। तो अगर हम यूडीपी के बारे में बोले तो वो होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस या फिर अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, जो हमें बोल सकते हैं एक सर्टेनिटी या फिर एश्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता कि आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होगा और जो भी पैकेट्स होंगे या फिर जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये राम भरोसे एक प्रोटोकॉल है जो आपको कुछ गारंटी नहीं देता कि आपका जो भी आपका जो ट्रांसफर का पैकेट्स होता है या फिर ट्रांसफर का डेटा होता है वो सक्सेसफुली आपके पास आ ही जाएगा। वैसे इसके पास जो हेडर्स होते हैं, मतलब कि एक पैकेट के अंदर जितने भी हेडर्स होते हैं या फिर फुटर्स होते हैं वो इसके अंदर सब ब्लैंक होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ आपके आईपी या फिर डेस्टिनेशन के आईपी के एक्सपेक्ट जो दूसरा जो डेटा होता है वो प्रोवाइड ही नहीं करता। इसके अंदर आप इसे समझ सकते हैं कि अगर इसके पास डेस्टिनेशन की फुलफिल इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कैसे गारंटी कर सकते हो कि हमारे पास सभी डेटा आ ही जाएगा और वहां पर डेस्टिनेशन तक वो अपलोड भी हो जाएगा या फिर वहां तक पहुंच भी जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है जो गारंटी नहीं देता कि हमारा डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुली हो ही जाएगा। तो बेसिकली ये हमें प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब एक नेटवर्क के नोड से दूसरे नेटवर्क के नोड पर, और होस्ट टू होस्ट मतलब एक ही नेटवर्क के बेसिस पर एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड पर एक ही नेटवर्क के अंदर। तो इसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता ही दूंगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ आपको ये शॉर्ट में बताया है क्योंकि आपको कुछ डाउट ना रहे इस वीडियो के लिए। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर पोर्ट्स की, तो यहाँ पर आपको वर्चुअली एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है जो होता है 16 बिट अनसाइंड इंटीजर, जिसकी रेंज होती है 0 to 65,535। और यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर सर्विस को चूज करते हो, सपोज हम यहाँ पर चूज करते हैं एफटीपी की, तो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है ये फाइल ट्रांसफर का होता है। अब फाइल ट्रांसफर मतलब हमें एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सचेंज करना है या फिर डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हम सिंपली एक पर्टिकुलर पोर्ट को यूज करते हैं। तो एफटीपी का जो असाइन पोर्ट होता है या फिर आईसीएनए जो असाइन पोर्ट नंबर एलोकेटेड होता है वो है 20 और 21। मतलब कि ये जो 20 और 21 जो पोर्ट नंबर है ये सिर्फ एफटीपी को असाइंड है, मतलब एफटीपी का काम सिर्फ 20 और 21 नंबर पर ही असाइंड है या फिर उसका यूसेज वहां पर ही एलोकेटेड है। दूसरा कोई पोर्ट या फिर दूसरी कोई सर्विस इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। मतलब कि अगर एसएसएच की जो सर्विस है वो 20 और 21 पोर्ट नंबर पर काम नहीं कर सकती, उसका भी एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर असाइंड है जो कि 822। उसका काम सिर्फ वही उसी सर्विस पर या फिर उसी पोर्ट नंबर पर सीमित है, वो वहां पर ही काम कर सकती है। दूसरे कोई पोर्ट नंबर पर या फिर दूसरे कोई सर्विस पर कोई भी दूसरी सर्विस इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट पर, तो आप सिंपली एक टीसीपी कनेक्शन बैठाते हो जो, और उसी के अंदर हम इन पोर्ट्स को यूज करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एफटीपी को समझ सकते हैं। तो बेसिकली एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको यूज होता है कोई डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए। और इसका जो मेन यूसेज होता है या फिर इसका जो असाइंड पोर्ट नंबर होता है वो है 20 और 21। प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर नेटवर्क सपोर्ट्स बोथ एनोनिमस एंड पासवर्ड मीडिएटेड एक्सेस। तो बेसिकली एफटीपी को हम एक रिलायबल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका जो ट्रांसफर रेट होता है या फिर ट्रांसफर का जो मीडियम होता है उसे अगर आपको सिक्योर बनाना है या फिर एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को वो एक्सेस नहीं होना चाहिए तो आप सिंपली पासवर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आपका सिक्योरिटी लेवल आपको लो रखनी है या फिर सिक्योरिटी लेवल आपको मैनेज नहीं करनी तो आप सिंपली मीडिएटर एक्सेस भी ले सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि विदाउट पासवर्ड भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। वैसे एफटीपी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स ऑन द इंटरनेट विद इन प्राइवेट नेटवर्क्स, एंड एफटीपी सर्वर कैन इजीली बी सेटअप विद द लिटिल नेटवर्किंग नॉलेज एंड प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू इजीली रिलोकेट फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एफटीपी कंट्रोल इज हैंडल्ड ऑन टीसीपी पोर्ट 21 एंड इट्स डेटा ट्रांसफर कैन यूज टीसीपी पोर्ट 20 एज वेल एज डायनेमिक पोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कॉन्फिगरेशन। तो आप सिंपली
इसका यूसेज कर सकते हो अगर आपके पास नेटवर्किंग की नॉलेज हो तो। अगर हम इसका प्रैक्टिकल व्यू देखे या फिर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे, तो मैं सिंपली मेरे काली लिनक्स के मशीन पर हूँ और मुझे मेरा एक डायनेमिक वेब सर्वर स्टार्ट करना है मेरे लोकल मशीन पर, जहां पर मुझे मेरा जो दूसरे डिवाइसेस कनेक्टेड है या फिर दूसरे कोई डिवाइस कनेक्टेड है वो मेरे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं या फिर कोई फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं मेरा जो मेन मशीन है या फिर मेरा जो सर्वर है वो मेरा कालिका मशीन है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक पर्टिकुलर पाइथन के बेसिस पर या फिर पाइथन का जो मॉड्यूल होता है सिंपल HTTP सर्वर, उसको यूज करके एक जो डायनेमिक वेब सर्वर होता है या फिर मेरा जो लोकल वेब सर्वर होता है उसे मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने सिंपली पाइथन से एक वेब सर्वर को स्टार्ट किया है और अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड किया है जो कि 951। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये पोर्ट नंबर है, मतलब मैंने इस पोर्ट नंबर पर मेरी एक सर्विस को एक्टिव किया है या फिर रन किया है और इस पोर्ट नंबर से मैं इस सर्विस को एक्सेस कर सकता हूँ दूसरे डेस्टिनेशन से या फिर कोई दूसरे डिवाइस से। मतलब कि मैं इस पोर्ट नंबर से मेरा जो डेटा ट्रांसफर है उसे कर सकता हूँ। ये सब मैंने डायनेमिकली किया है, मतलब आप एक पर्टिकुलर आपका जो डायनेमिक पोर्ट होता है उसे यूज करके इसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विंग HTTP ऑन 0.0, मतलब कि ये हमारा IP एड्रेस है लोकली का और पोर्ट 951। तो बेसिकली मैंने जो 951 का जो पोर्ट है वहां पर एक पर्टिकुलर सर्विस को सर्व किया है। तो अगर मैं इसे फिर से अटैच करूं या फिर से इसे लिस्ट करूं, तो ये जो है ये मेरा एक कनेक्शन है या फिर प्रोटोकॉल है जो अनसिक्योर है, मतलब कि ये HTTP है। फिर उसी के साथ ये मेरी लिंक है या फिर URL है या फिर मेरा IP एड्रेस है और यहाँ पर जो कोलन के बाद जो पोर्ट नंबर है उसे मैंने असाइन किया है या फिर उसे मैंने इनपुट किया है। तो बेसिकली मेरा जो काम है या फिर मेरी जो सर्विस है वो सिर्फ 951 पोर्ट नंबर पर ही एक्टिव है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ और जो मैंने डेस्कटॉप को डायरेक्टली लिस्टिंग की या फिर डेस्कटॉप को जो होस्ट किया है तो मेरे डेस्कटॉप पर जो 2 फाइल्स अवेलेबल है वो मैंने सक्सेसफुली होस्ट किए या फिर सर्व किए। वैसे अगर मैं यहाँ पर दूसरा पोर्ट एक्सेस करूं, मतलब कि मैं जो एक पर्टिकुलर रैंडम पोर्ट को एक्सेस करूं, मैं सिंपली यहाँ पर 957 देता हूँ और फिर से इसे एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेबल टू कनेक्ट है क्योंकि इस 957 पर कोई भी सर्विस अटैच नहीं है या फिर कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं। तो मैं सिंपली इस पोर्ट नंबर को यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि ये मीनिंगलेस है, मतलब यहाँ पर कुछ भी एक्टिव सेशंस नहीं है या फिर कोई भी कनेक्शंस बैठाया नहीं है, मैं सिंपली से यूज नहीं कर सकता। तो मैं अगर सिंपली यहाँ पर फिर से 951 पर आता हूँ तो मैं फिर से जो सर्विस है उसे यूज कर सकता हूँ क्योंकि 951 पर हमारा कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है और सिंपली हम इस मीडियम से या फिर इस एंड पॉइंट से यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। और इन सभी पोर्ट्स को ICNA जो एक स्टैंडर्ड है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करता है। आपको एक पर्टिकुलर पोर्ट को या फिर एक पर्टिकुलर अगर आप चूज करते हो एक पोर्ट को तो उसकी कुछ प्रीडिफाइंड एक्टिव सर्विसेज एलोकेटेड है या फिर वो उसका काम एलोकेटेड है। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक मल्टीपल पोर्ट्स आ जाते हैं जैसे कि कोई गेमिंग के पोर्ट्स हो या फिर VM के पोर्ट्स हो, तो इन सभी का काम एक पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करने के लिए या फिर उनकी सर्विस रन करने के लिए फिक्स होता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर आपको एक इमेज शो होगी और उस इमेज पर आपको जितने भी पोर्ट्स अवेलेबल है और उनकी जो फंक्शन है या फिर उनकी जो सर्विस है उनका जो मेन काम कौन से सर्विस पर डिपेंड है वो आपको वहां पर दिखाई देगा। आप वहां पर जाके उसे और जान सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इन सभी पोर्ट्स के बारे में समझ आया होगा और जो हमारे हार्डवेयर पोर्ट्स होते हैं या फिर फिजिकल पोर्ट्स होते हैं या फिर वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं या फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में समझ आया होगा। और जो मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जहां पर मैंने हमारा जो डायनेमिक वेब सर्वर को स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पर, तो वो भी समझ आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।